असल डेर स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसनट्रेशन दे रहे होंगे मैं डेयर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पल्यूटेड वाटर के क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं और पल्यूटिड वाटर से जो डिजीज काज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे तो चलें आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं मेरे स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के क्या बैड इफेक्ट्स हैं पहले हम ये देखेंगे हेजर्ड्स फॉर ह्यूमन हेल्थ डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है पल्यूटेड वाटर कॉलरा टाइफाइड डायरिया ये वो डिजीजे हैं जो पल्यूटेड वाटर की वजह से पैदा होती हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स इफेक्ट एनिमल्स और बर्ड्स बैडली इफेक्ट होते हैं पल्यूटेड वाटर से रैपिड एलजी ग्रोथ एलजी की ग्रोथ रैपिड हो जाती है पल्यूटेड वाटर में जिसकी वजह से गुड अमाउंट में ऑक्सीजन जो अवेलेबल होती है पानी में वो कम हो जाती है डैमेज एक्वेटिक लाइफ डेफिनेटली जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी में तो फिर पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्वेटिक लाइफ आबी जिंदगी अफेक्ट होगी एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज की खूबसूरती लेक्स की खूबसूरती रिवर की खूबसूरती कैनाल्स की खूबसूरती अफेक्ट होगी अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग ऐसा पानी क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए अनफिट हो जाएगा जो पल्यूटेड हो डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे वाटर बॉर्न डिजीजेस को बाय ड्रिंकिंग पल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रीपेर्ड विद पल्यूटेड वाटर डिजीज़ेस काज होती हैं पल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से या पल्यूटेड वाटर में पके हुए खाने से टॉक्सिन्स जहरीले मादे प्रोड्यूस होते हैं इन द पल्यूटेड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं पोल्यूटेड वाटर में जो डेंजरस होते हैं ह्यूमन और अदर एनिमल्स की हेल्थ के लिए लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज के ना होने की वजह से भी वाटर बोर्न डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं कॉमन डिजीज वो कॉमन डिजीजेस जो प्रोड्यूस होती हैं ूटेड वॉटर की वजह से पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स डायरिया की डायरिया इंटेस्टाइनल डिजीज है जिसे कॉलरा कहते है। हैं वायरस बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डायरिया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं इन द पोल्यूटेड वाटर सेकेंड डिजीज डाइजेंट्री इंटेस्टाइनल डिजीज है बैक्टीरिया या पैरासाइट डाइजेंट्री के रिस्पॉन्सिबल हैं मीन टू से के पल्यूटेड वाटर में बैक्टीरिया और पैरासाइट वेल ग्रो करते हैं जिसे डेफिनेटली बैड इफेक्ट क्रिएट होते हैं इंटेस्टाइन में और ये डेंजरस डिजीज कहां होती है डायरिया की अलामत म्यूकस ब्लड यानी डायरिया म्यूकस के साथ और ब्लड के साथ ये अलामात हैं ये सिम्टम्स हैं डाइजेंट्री की अब बात करते हैं थर्ड डिजीज की जिसे बोलते हैं कॉलरा फेक्शन इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वजह से एक्यूट इन्फेक्शन क्रिएट होती है और अगर पीने वाले पानी में फीसिस शामिल हो जाएं और इन इनफीसिस वाले पानी में वेल ग्रो करते हैं बैक्टीरिया जिसकी वजह से एक्यूट इन्फेक्शन क्रिएट होती है और कॉलोराकॉस होता है कैन बी फेटल यह डिजीज इतनी खतरनाक है कि इससे ह्यूमन डेथ भी हो सकती है अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की जिसे कहते हैं क्रिप्टो स्पोरिडियम प्रोटोजोवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है काजिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस इसकी वजह से इंटेस्टाइन में इंफेक्शन क्रिएट होती है इंक्लूड डायरिया वॉमिट इस डिजीज में डायरिया और वोमिटिंग शामिल हो जाती है ये इसकी अलामत हैं सिम्प्टम्स हैं टीनी पैथोजेंस यानी जलासीम इन सरफेस वाटर सरफेस वाटर में टीनी पैथोजेंस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिजीज के यानी पैथोजेंस वेल ग्रो करते हैं इन द पोल्यूटेड वाटर और ये डेंजरस डिजीज काज करते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की जिसे कहते हैं फ्लोरोसिस कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड्स यानी एक्सेस फ्लोराइड्स की कंजम्पशन की वजह से ये डिजीज काज होती है बोन्स टीथ डैमेजिंग, बोन्स और टीथ इसमें डैमेज हो जाती हैं मैडे स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लिवर इंफ्लामेशन हेपेटाइटिस वायरस जो कॉन्टेमिनेटेड वॉटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वॉटर बॉडीज टू द ह्यूमन बॉडी और वहां यह वेल ग्रो करता है और हेपेटाइटिस काज होता है अब बात करते हैं हुक वॉर्म की जिसे हम सिंपली पेट का कीड़ा भी कहते हैं पैरासाइट वॉर्म इन इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में पैरासाइट वॉर्म इसका रिस्पॉन्सिबल है एनीमिया स्टंट ग्रोथ इन चाइल्ड बच्चों में खून की कमी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है और एक्चुअली पुअर सैनिटेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर हुकवॉम अब बात करते हैं जाइंडस की इक्सेस बाइल पिगमेंट्स इन ब्लड मैडे स्टूडेंट्स बाइल लिवर सक्रीट करता है और जब इसकी एक्सेस अमाउंट ब्लड में आ जाए तो काज होता है जैंडस जिसे उर्दू में यरकान भी कहते हैं सीज़ फ़ंक्शन, येलो, जिगर यानी लिवर का फंक्शन स्टॉप हो जाता है आईज का रंग पीला हो जाता है और इंसान वीकनेस फील करता है दर्द फील करता है अपनी बॉडी में पेशेंट फील वीकनेस एंड फटीग और लास्ट में हम बात करेंगे टाइफाइड की यह बैक्टेरियल डिजीज है और यह बैक्टेरिया भी वेल ग्रो करते हैं इन द कॉन्टेमिनेटेड वाटर इन द पल्यूटेड वाटर मैडर स्टूडेंट्स तीन वेज हैं जिनके थ्रू हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इन डिजीज की पहला वे तो यह है कि आप स्टैंडर्ड क्वालिटी वाटर पियो सेकंड वे है कि सीवेज को वेल well कंट्रोल करो और थर्ड जो डेंजरस केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स हैं इंसेक्टिसाइड्स हैं जो वाटर बॉडीज में शामिल हो जाते हैं इनको भी वेल well कंट्रोल किया जाए मेरे स्टूडेंट्स आज किस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं वाटर पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स फिर उन कॉमन डिजीजे को डिस्कस किया है जो काज होती हैं ड्यू टू पल्यूटेड वाटर आप लोगों ने हर डिजीज की रीजन यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करना है जो हर डिजीज को काज करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं इन डिजीज से और मुझे उम्मीद है इस वे से आपका ये टॉपिक वेल प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों ने चैप्टर लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहना है ताकि आपका चैप्टर नंबर 15 वेल प्रिपेयर हो जाए क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का सोल्यूशन और एक्सरसाइज के सोल्यूशन से पहले आप लोगों ने तमाम लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स तमाम चैप्टर टॉपिक्स पर वेल क्लियर हो जाएं और आप इजीली सॉल्व कर पाओ एक्सरसाइज तो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज।